अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मटन मेथी की रेसिपी। ये इजी एंड सिंपल रेसिपी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी ये रेसिपी पसंद आएंगी। आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये आधा किलो मटन है जिसको हम धो के साफ़ करके रख लिए। 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, मेथी की भाजी जिसको हम धो के रख लिए, तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। कुकर को अच्छे से गरम करके इसके अंदर 2 बड़े चमचे तेल ऐड करेंगे। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज। प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज हुए तक। ये देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, मिर्ची पाउडर 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। ये सब मसालों को अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मटन। मटन को भी इन सब मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी 1 कप। पानी ऐड करने के बाद भी इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। कुकर का ढक्कन लगा देके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्रेशर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए, हम कुकर का ढक्कन निकाल देंगे। अच्छे से पक गया सालन, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अब इसमें ऐड करेंगे मेथी की भाजी। मेथी की भाजी को भी ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पका लेंगे, फिर फ्लेम ऑफ कर लेंगे। चलिए अब हम सर्व करते हैं। ये देखिए अब हमारी मेथी मटन का सालन अब रेडी है। आप लोग भी इस मेथी मटन की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और ये रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।